और जहां तक कल की बात है आई थिंक पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान को जीतना चाहिए उनके लिए सर। कल बस एक जो होगा वो साइकोलॉजिकल वाली चीज रहेगी, हालांकि अफगानिस्तान है बट देन जो उन्होंने लास्ट कुछ मैचेस खेले जीत सकता है, बट अगर आप मुझसे पूछे पाकिस्तान को हराना यार अफगानिस्तान पे इतना आसान नहीं होगा। हम कह रहे हैं चेन्नई क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, जिसने लिखा अंधे फॉग गिरी है उसमें इंडिया अच्छा वर्ल्ड कप नहीं करा रहा है, कैसे हो गया भाई? कल वो तो बारिश पे भी तो उनको पूछो कि इंडिया को अच्छा वर्ल्ड कप करा रहा है, अब इतना नुकसान कर रहे हो खिलाड़ी बाबर ने तो कुछ। ये वीडियो आप 20 सेकंड स्किप कर दे सकते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान आज जो चेन्नई में मुकाबला खेले जाना है वर्ल्ड कप 2023 का, इसके लिए कौन सी टीम फेवरेट होगी? विक्रांत गुप्ता ने अपनी राय दिया और पाकिस्तान को फेवरेट करार दिया है, लेकिन क्या अफगानिस्तान पलटवार करेगा और पाकिस्तान से एशिया कप की जीत का बदला ले सकेगा? तो आज इस वीडियो में देखते हैं विक्रांत गुप्ता ने क्या कहा है और पाकिस्तान को कौन कौन सी टेक्निक्स पर अमल करना चाहिए। दो हार पाकिस्तान, चार में से दो जीत दो हार, और पाकिस्तान को अब कल खेलना है अफगानिस्तान को। अगर पाकिस्तान ने कल जीत लिया मुकाबला तो पाकिस्तान आ जाएगी टॉप चार में अंदर, और थोड़ा सा उनको भी वो अब दिख रहा होगा क्योंकि इंग्लैंड की परफॉर्मेंस बहुत खराब हो गई है, तो एक कंपटीशन ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस पाकिस्तान फॉर द फोर्थ स्पॉट अभी जो देखकर नजर आ रही है वही है कंपटीशन। इंग्लैंड तो नहीं है ना, इंग्लैंड को आप नोशनली कह दो, बाकी आप ये एक्सपेक्ट करो कि बांग्लादेश, नेदरलैंड्स, श्रीलंका मुश्किल है, अफगानिस्तान भी ये होगा, अब ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का ही। और जहां तक कल की बात है आई थिंक पाकिस्तान जीतेगा, पाकिस्तान को जीतना चाहिए बिकॉज आप अगर तीन दिन की क्रिकेट देखें पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान बेहतर क्रिकेट खेला रादर देन साउथ अफ्रीका वर्सेस इंग्लैंड में जो इंग्लैंड ने किया। अफगानिस्तान भी जीत सकता है बट अगर आप मुझसे पूछे पाकिस्तान को हराना यार अफगानिस्तान पे इतना आसान नहीं होगा। हम कह रहे हैं चेन्नई क्योंकि उनके पास अच्छे स्पिनर्स हैं, उनके पास बहुत ही अच्छे स्पिनर्स हैं और पाकिस्तान के पास स्पिनर नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि कल पाकिस्तान विल प्रिपेयर। एक बात बताऊं, ये पाकिस्तान की टीम ने अब तक कुछ नहीं बोला, कुछ वो उन दोनों पाकिस्तान के कप्तान, पाकिस्तान के टीम कोच ने तो फिर थोड़ा सा बोला था, बाबर ने एक बात नहीं बोली। कोच को मत बोले सर, वो टीम डायरेक्टर है, डायरेक्टर यार, ऑनलाइन टीम डायरेक्टर। कोच कौन है इनका? उनका नाम क्या है, ब्रैटबर्न या कुछ करके, ब्रैटबर्न, चलो जंगल में मोर नाचा किसने देखा। तो पाकिस्तान के प्लेयर नहीं बोल रहे, बट ये जो सोशल मीडिया आज क्या हुआ, फॉग आई। फॉग क्या होती है? फॉग आया, पहाड़ों में धुंध आई, वो एज यूजुअल पाकिस्तान में जो सोशल मीडिया मतलब वो जो वो निकल रहे हैं वो मेरे उसी ट्वीट पे पीसीबी कॉन्स्पिरेसी। अरे मूर्ख लोगो, अकल के जो जिसने लिखा अंधे फॉग गिरी है उसमें इंडिया अच्छा वर्ल्ड कप नहीं करा रहा है, कैसे हो गया भाई? कल वो तो बारिश पे भी तो उनको पूछो कि इंडिया तो अच्छा वर्ल्ड कप करा रहा है, अब 10 रन है, फॉग गायब कैसे कर दी हमने भाई? हाँ। आप समझ नहीं पा रहे हो, तो कल वो तो कहेंगे हवा भी तेज चल रही होगी। ये रोना पीट रहे हैं ना, रोने धोने से रोने पीटने से आप अपनी टीम का नुकसान पहले ही कर चुके हो। मैंने तो 2 महीने से कह दिया था, एक डेढ़ महीने पहले, कि ये सोशल मीडिया पे जो आजकल उछल रहे हैं ना वहां पे कि इंडिया को 10 विकेट से हरा देंगे, पहले वो चुप रहते थे उनकी टीम जीत गई। और दूसरी बात है कि आप अपनी ही टीम का नुकसान कर रहे हो। खिलाड़ी बाबर ने तो कुछ बोला नहीं, रिजवान ने तो बोला नहीं अभी तक, अफरीदी ने तो बोला नहीं अभी तक, वहां पे तो चाकू छुरियां निकल चुकी है ऑलरेडी। खैर उनका मसला जो मर्जी, और उनको ये भी फिक्र नहीं है ना सर कि उनके खिलाड़ी यहाँ इंडिया में बैठ के मैच खेल रहे हैं, इतना वो नहीं है, उनके मानसिक क्या जा रही है, उनकी दिक्कत भाई। एक चीज बढ़ने तो है ही ना जी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। हम रिएक्शंस एंड रिव्यूज की वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कौन सी टीम का आप सपोर्ट कर रहे हैं ये भी कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और आपका फेवरेट प्लेयर कौन है जो आज सबसे ज़्यादा रन्स और विकेटें उड़ाएगा। तो हमारे साथ बने रहें, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।